तो हे गाइस अगेन वेलकम टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आज भर्ती बनी है यार दोस्तों। तो देखो कि सब आज फोटो वोटो खींच रहे हैं और A1 लग रहे हैं। तो आज है रैंक सेरेमनी। ऐसा होता है जो NCC है वो है एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसके जैसे ना क्या होता है कि इसमें हायरार्की होती है, तो उसके जैसे जो रैंक्स होते हैं उसके हिसाब से ये कंडक्ट होता है। जैसे कि आर्मी में होता है तो NCC में भी सेम उसी प्रकार से होता है। तो अभी सब तैयार हो रहे हैं, आज देखते हैं किसको रैंक मिलती है। बहुत एक्साइटिंग होगा कि देखेंगे किसको रैंक मिलनी है किसको रैंक नहीं मिलनी है। सो गाइस दीज आर आवर न्यू पायलट्स। तो गाइस यहाँ पर को होने वाली है रैंक सेरेमनी। ये देखो यहाँ पर को होने वाली है रैंक सेरेमनी और पंकज और विकास बात कर रहे हैं और हमारे आने वाले दो अंडर ऑफिसर यही तो हैं। स्टार्ट हो गया टाइम, एक मिनट। बोलना नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य। ये अपने आप को ATU के बटालियन के चीते कहते हैं। हो गया चीते, उससे पहले इंसान बनो, ठीक है? इंसान हो, चीते हो, दोनों हो, ठीक है? इंसान बनना है, चीते का जिगर रखना है, ठीक है? हाँ, चीते सी जिगर, चीते सा जिगर और शेर सा जिगर और चीते सी फुर्ती, ठीक है? देखते हैं ये कौन नीचे आ रहा है। अब वाला कहेंगे, ठीक है? 80 के चीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। तिवारी कहेगा 80 के जीते हैं और बाकी सब क्या कहेंगे? बड़ी शान से जीते हैं। तिवारी कहे यस सर। हाथ खड़ा कर, दोनों दोनों हाथ। चल शुरू हो जा। 80 के जीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं। 80 के जीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं। 80 के जीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं। अब आते हैं TNC पे, थल सैनिक कैंप, जो ATU के लिए NCC की अब शान बन चुकी है, जिसमें हमारे ATU के हमारे यहाँ पर बीच में नहीं है, तो उनकी जगह आके कोई भी सेकंड ईयर का कैडेट ट्रॉफी ले लेगा। सार्जेंट दीपिका महर, बच्चों को बहुत सारे बढ़ाने की कृपा करें। कैडेट विनय मोहन पाठक, एनसी ग्लेयर शू गर्ल। शुरू कर
जो एडीयू के एनसीपीएल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और ब्रीफ करें। आप लोग जानते कहता है परिंदा अभी आसमान बाकी है, बोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी आसमान बाकी है। एडीयू के बैटालियन सी नहीं है मंजिल मेरी, एडीयू के एनसीपीएल बैटालियन नहीं है मंजिल मेरी, अभी आएंगे और रोटी है बाकी है, अभी आएंगे और रोटी है बाकी है। संजीव कुमार ऑफिसर महिमा गिरी एंड द क्लैप शुरू कर।
इंजीनियर एमसी क्लैप थ्रू कर। अब अगला नाम है अंडर ऑफिसर संतोष कुमार, एनसीसी क्लैप थ्रू कर। In our whole NCC journey, we realized that rank does not power. I think rank stands for responsibility. मेरे हिसाब से आप सभी को जिनको आज रैंक मिली है, ये अपनी रैंक का सही फायदा उठाएगा, इस रैंक का गलत फायदा नहीं उठाएंगे और आने वाली ATU के BNCC को एक अलग हाइट पर इलाके हमारी कॉलेज जितने भी रेगुलर बने हैं सारे के सारे स्टेज पे आ जाए। कॉर्पोरल, लास्ट कॉर्पोरल, सर्जेंट, अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर इतने जाओ और नाइट सुविधा सारे इंटर से भी अनुरोध है जो हमारे सीनियर्स का जीते से
अरे अभी बच गए हैं। हमारे पुराने सीनियर ड्रामेटर सर लगातार हमारे कॉलेज का नाम बनाते जा रहे और राज और मुझसे जितना हो पाएगा मुझे जितनी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कर पाऊँ और जितना हो पाएगा उतना करूंगी अपनी तरफ से इस काबिल समझा कि मैं इस लैब के को लेके काम करूंगी अपनी जिम्मेदारी संभालूंगी हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और उससे भी ज्यादा मेरे बडीज को जो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे मैंने जो भी किया हमेशा मेरे साथ रहे अंडर ऑफिसर कांतिचंद तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा अपनी बडीज के बडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अंडर ऑफिसर की और अपने जूनियर्स को भी मैं दोनों चीज करना चाहूंगी वो भी नए रैंक होल्डर्स बने हैं तो Yeah.
तो गाइस अभी बटरफ्लाई रिफ्रेशमेंट और बाद रहे हैं सचिन नीरो तो गाइस ये सचिन है अभी मेरे को ब्रेड पकौड़ा भी नहीं आया सचिन सचिन भाई सचिन देख ले ब्लॉग में नहीं आए तूने तो धोखा कर दिया इतना प्यार कभी नहीं खिलाया तो नहीं खाली दिखाया अंडर ऑफिसर बनने के बाद पीयूष ब्रेड पकड़ा खा रहे हैं और आज तो मैंने भी मांगी थी पहले भाई का कप कहाँ से लेके आया तेरा भाई कप के नीचे बात बाथरूम में बात बड़ी करते हैं जग अब से तो मैं ऐसा ही करूंगा क्या मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ सो हे गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में तो गाइस अभी भी नीरज और मैं पैदल पैदल चल रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कोई गाड़ी आए लग तो नहीं रहा है आने वाली है और तब तक पैदल पैदल घर पहुंच जाएंगे देर में रही नहीं अब सीधे पैदल पैदल चलते हैं भाई जी बताने यार मुझे कैसी दिख रही है मेरे ऊपर अच्छी लग रही है तो रखूंगा वरना तुम कहोगे काटो तो काट दूंगा तो गाइस देखो अभी बारिश हो रही है और अभी भी हमें गाड़ी नहीं मिली है पैदल चल रहे हैं नीरज तो पहुंच गया मेरा बचाया और ये भीग रहे हैं ऊपर से ओले पड़ रहे हैं छोटे छोटे नीचे आने तक पिघल जा रहे हैं पर ज़मीन में ऐसे फील हो रहे हैं ओले पाँव में तो देखते हैं आप कब पहुँचते हैं आज ही रैंक सेरेमनी भारी पड़ गई है मेरे ऊपर तो गाइस ये देखो बारिश आ रही है वहाँ पर को बारिश आ रही है और धूप भी आ रही है और अभी यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है यहाँ पे धूप आ रही है वहाँ पे बारिश आ रही है यहाँ पे धूप आ रही है चमत्कार चमत्कार में चमत्कार हो रहे हैं गाइस यहाँ अब थोड़ी थोड़ी रुक गई है मैं घर को जाता हूँ तो गाइस मेरे लिए मेरे घर वालों ने एरोप्लेन भेजा देर हो गई अरे ये तो ड्रोन जैसा दिख रहे हैं ड्रोन है बहुत दूर चले गया आप तो दिख नहीं रहे अब तो गए कहाँ हैं ये कीड़ा 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 दिख रहा है अबे दिख रहा है अबे दिख रहा है ए दिख 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 ये दिख रहा है